हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा देवी लेटेस्ट कटिंग लेकर के आई हूँ आज कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती का फैब्रिक है हमारा और हमने इसको एक बार फोल्ड कर लिया। और देखिए फ्रेंड्स, इसको एक बार फोल्ड करने से अच्छी फिनिशिंग के साथ हम इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया। और फोल्ड करते समय देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करते हुए बड़े ही प्यारे तरीके से, और इसको डबल से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी हमारी चार तह बनकर तैयार है बहुत ही प्यारे तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करते हुए देखिए फ्रेंड्स, विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जो इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरीके से अच्छी फिनिशिंग के साथ रखते हुए बड़े ही प्यारे तरीके से, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसका नाप ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना हमें कपड़ा चाहिए होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहले ही नाप लेते हैं कि हमें ज़्यादा चाहिए या कम। तो इस तरीके से नापने से हमारा एक फ़ायदा होता है कि हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहले कटिंग करने से पहले अपने कपड़े की लेंथ चौड़ाई नाप लीजिए, ताकि आपका कपड़ा वेस्ट ना होए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसी तरीके ही पहले ही नाप करके तैयार कर लिया कि हमारा कपड़ा वेस्ट ना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने नापा इसका, यानी कि मुझे कंप्लीट अपना कुर्ता 36 इंच चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से मैंने 36 इंच नापते हुए बड़े ही प्यारे तरीके से, और एक लाइन खींच लेनी है हमें कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरीके से एक लाइन खींचते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम समय में बहुत सुंदर हमने ये कुर्ता बना करके तैयार कर दिया फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसको एक बार फोल्ड करते हुए और इसका नीचे भी निशान लगा लिया कि हमें कितना चाहिए होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पर शोल्डर रखे 6 इंच, सॉरी शोल्डर रखे मैंने 8 इंच, और मुड्ढे रखे मैंने 6.5 इंच, क्योंकि फ्रेंड्स ये मेरा कुर्ती वाला गला है, यानी कि कॉलर वाला कुर्ता बना रही हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कॉलर वाला कुर्ता बनाते हैं तो हमें शोल्डर रखने होते हैं 8 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने 8 इंच शोल्डर करते हुए और चेस्ट करे मैंने, यानी कि 40 इंच कमर है हमारी। देखिए फ्रेंड्स, कमर है हमारी, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने नाप लेते हुए और चौथाई हिस्से में, जैसे कि हमने 40 का 10, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से रखते हुए बड़े ही प्यारे तरीके से, और यहाँ से मैंने यानी कि चेयर से कुछ ज़्यादा रखा है, यानी कि 1 इंच। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1/2 इंच हम चेयर से ज़्यादा रखते हैं नीचे दावन। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही अच्छे तरीके से हमने इसको नाप लेना है। और फ्रेंड्स, अभी तक आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिलाई से संबंध हर न्यू डिजाइनर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट में लिखना और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने निशान लगाते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से, और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने निशान लगाने के बाद, अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग हमारी बहुत ही प्यारी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से कटिंग करते हुए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके की कटिंग करके तैयार कर ली। और तैयार करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से यहाँ से मैंने गला रखा चौड़ाई में 2.5 इंच, लेंथ में 8 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपने अनुसार रख सकते हो, लेकिन फ्रंट का गला मैंने 8 इंच रखा है, चौड़ाई में 2.5 इंच और लेंथ में 8 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने गला इसलिए रखा है, आप अपने अनुसार रख सकते हैं, क्योंकि ये गला हम ज़्यादा इसलिए रखते हैं जब हमारा कॉलर वाला कुर्ता होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से रखने के बाद हमने इस तरीके से कटिंग कर ली। और देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही प्यारे तरीके से हमने कटिंग करके तैयार कर ली। तो एक कुर्ता हटा करके हम एक साइड कर देंगे, यानी कि एक पार्ट
हमने बैक पार्ट अलग कट किया है यानी कि एक ही जगह कट किया है तो हमने एक पार्ट हटा करके अलग कर देंगे, बैक अलग फ्रंट अलग। तो हम फ्रंट का गला और थोड़े गहरे करके मुड्डे कट करेंगे तो इसलिए हम दोनों को ही अलग किया। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने अलग अलग कर दिया और उसकी कटिंग कुछ इस तरीके से कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये कटिंग करके तैयार कर लेनी है। और देखिए फ्रेंड्स बड़े ही प्यारे तरीके से हमने ये कटिंग तैयार कर ली और तैयार करते हुए बड़े खूबसूरत तरीके से देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये अब मुड्ढे तो हमारे हो गए कंप्लीट, अब हम कट करते हैं गला। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने गला भी कट कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स हम कट करते हैं बाजू। तो बाजू हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें बाजू कट कर लेनी है। तो बाजू हम हाफ इंच कट करेंगे। तो हाफ इंच कट करते हुए देखिए फ्रेंड्स इसको नाप लेना है कि हमें इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है बाजू की और लेंथ कितनी रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने एक बार फोल्ड किया, अब डबल से फोल्ड कर दिया। और फोल्ड करते हुए देखिए फ्रेंड्स बड़े ही प्यारे तरीके से इसको नाप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों बाजू हमारी बन के तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स देखिए हमने इसकी लेंथ रखी 8 इंच और यहाँ से मोहरी रखी है, मोहरी भी हमने 8 इंच रखी है। और देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये कट करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से ये बाजू कट हो चुकी है हमारी। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये बाजू कट करते हुए अब देखिए फ्रेंड्स हमने बाजू कट करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से और ये फ्रेंड्स मैं गला तैयार कर रही हूँ। तो गला हम कुछ इस तरीके से तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये उरेबी पट्टी ली है और उरेबी पट्टी लेते हुए इसको रख करके कुछ इस तरीके से सिलते हुए जाना, लेकिन इसको खींचना नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स बड़े ही प्यारे तरीके से आराम से रखते हुए और इसको खींचते हुए देखिए फ्रेंड्स खींचना नहीं होता इसको और इस तरीके से सिलते हुए जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स सिलते सिलते हम देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से रखने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहीं पर और ये इस तरीके से गला बना करके तैयार कर दिया। देखिए फ्रेंड्स बड़ा ही सुंदर था। हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे, शोल्डर हम कुछ इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस टाइम हम सबसे पहले कि कॉलर लगा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कॉलर किस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये कॉलर लगा करके तैयार कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स पहले मैंने नीचे की साइड से लगाया था, अब देखिए फ्रेंड्स बीच में हमारी सिलाई आ चुकी है। तो हमने कितना ही सुंदर और कितना प्यारा कॉलर लगा करके तैयार कर दिया। और तैयार करते हुए देखिए फ्रेंड्स बड़े ही प्यारे तरीके से तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने ये तैयार करते हुए तो देखिए फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरीके से कॉलर पे किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम किनारे किनारे सिलाई लगाते हैं और सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से और देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमारा कॉलर लग के तैयार है। अब हमने बाजू भी ज्वाइन कर ली। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी बाजू ज्वाइंट हो चुकी है कुछ इस तरीके से।
और देखिए फ्रेंड्स दूसरी साइड से भी हम सेम वही तरीके से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से बाजू ज्वाइंट करते हुए बड़े प्यारे तरीके से तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से ये बाजू कंप्लीट करते हुए बहुत ही कम समय में अब हमने फिटिंग लगा करके तैयार कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ज़्यादा समय भी नहीं लगा और हमने देखिए फ्रेंड्स बड़े ही प्यारे तरीके से कुर्ता बना करके ये तैयार कर दिया। बहुत कम समय में सुंदर सी कुर्ती हमारी बनके तैयार है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स इस पर हम फिटिंग लगाते हुए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये फिटिंग लगा करके तैयार कर लेनी है। और देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये फिटिंग लगा करके तैयार कर ली। दूसरी साइड से भी हमें सेम वही तरीका आजमाना है क्योंकि हमने निशान पहले ही लगा करके तैयार कर लिए थे। और देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सिलाई करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से और यहाँ से भी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने चाक फोल्ड करते हुए और चाक फोल्ड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स बड़े ही प्यारे तरीके से हमने इसको तैयार कर लेना है। और तैयार करते हुए देखिए फ्रेंड्स इसको हमारा कुर्ता ये कंप्लीट है। बहुत ही कम समय में बहुत सुंदर कुर्ता हमारा तैयार है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको जिस तरीके से ये कुर्ता बना करके तैयार कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स बड़ा ही सुंदर हमारा कुर्ता तैयार है। बहुत कम समय में सुंदर सा कुर्ता हमारा कंप्लीट हो चुका है। और देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे तरीके से फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ नए डिजाइन के साथ। ओके बाय बाय।